नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वीएस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स आईबीपीएस आरआरबी प्री 2020 पीओ और क्लर्क दोनों लेवल्स में आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की तैयारी अब आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के नंबर्स रीजनिंग में तो आ जाते हैं बट मैथ्स में नहीं आते, राइट। तो उसी के बेसिस पे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी मैथ्स में, लगभग 40 out of 40 यानी कि मैंने पूरे में से पूरे, राइट, 40 out of 40। अगर आपके 39 भी आए तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, राइट। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, 100% इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा, गारंटी से आपका 40 out of 40 या 39 out of 40 आ सकता है अगर आप होनेस्टी के साथ ईमानदारी से इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। 100% एक तरह से कह सकते हैं एग्जाम्स में आपके नंबर्स जरूर बन सकते हैं। कि आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एक आपकी एग्जाम्स की डेट देख लीजिए, राइट। एग्जाम्स की डेट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स एग्जाम्स आईबीपीएस एग्जाम्स डेट प्रीलिम्स, राइट। यहाँ पर देखिए एग्जाम देख प्रीलिम आपके सितंबर्स और अक्टूबर्स में, यानी कि सितंबर्स और अक्टूबर्स में आपके एग्जाम्स होने हैं। यहाँ पर ऑफिसर्स स्किल्स और ऑफिस असिस्टेंट, याद रखिएगा जो पीओ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं वही उनकी भी डिस्कशंस हो रहे हैं, एंड देन आपकी ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क लेवल की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनकी भी डिस्कशंस अपन करेंगे। मैथ्स में क्या स्ट्रेटजी है 40 out of 40 लाने के लिए, ओके। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ओके। डेट देखिए, सितंबर अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स एग्जाम्स होना है, चाहे भाई आरबीआई ऑफिस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, चाहे आरआरबी ऑफिसर्स स्किल्स की बात करें, ओके। सितंबर अक्टूबर, इट मीन्स आपके सितंबर या तो लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम्स होना है, कंडक्ट कराया जाएगा अकॉर्डिंग टू द आरआरबी की जो आईपीएस की जो ऑफिशियल्स वेबसाइट है, ओके। ध्यान से देखिएगा, ओके। तो सितंबर के आपके लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपकी एग्जाम्स की डेट है, वह आपका एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाएगा। तब तक आईपीपीएस के द्वारा ऑफिशियल्स नोटिफिकेशंस नहीं आता, तब तक अपन इसी डेट को मान के लेके चलते हैं। अगर कोई भी आपका एग्जाम्स पोस्टपोन हो तो 100% आपको इसी चैनल्स पे इंफॉर्मेशंस आपको मिल जाएगी। अगर पोस्टपोन हो तो आपके लिए बेनिफिट्स हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए और ज़्यादा टाइम मिलेगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, एंड उससे पहले अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब करें, देन वीडियो को शेयर करें, एंड अच्छा लगे कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, कुछ चीज़ आपको सीखने को मिली है, तो लाइक बटन पे पीछे पर जरूर प्रेस कीजिएगा, ओके। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, 100% कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, सर ये मेरी चीज़ मेरे को नहीं समझ में आई है या इस चीज़ का मेरे को डाउट है, ओके। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको सारे डिस्कशंस कर चुका हूँ। ये आरबीआई का एक आरआरबी का आपके मैथ्स का पेपर्स मैंने अपलोड किया था पीओ लेवल का, राइट। सॉल्यूशंस भी इसका अवेलेबल है, एंड देन ये आपका क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है, राइट, पहले आपको प्रश्न पत्र जिसको क्वेश्चंस पेपर्स कहते हैं वह मैंने आपको दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्टिव बुक्स में इसका लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका पीओ का है, ये आपका ऑफिस असिस्टेंट का है, राइट। दोनों पेपर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मिल जाएंगे, राइट। चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, सर हमको चाहिए, मैं आपको लिंक सॉल्यूशंस का भी लिंक आपको दे दूंगा, ओके। एंड देन अपन अब चलते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथ कहते हैं, 40 नंबर्स 40 मार्क्स आपके 40 क्वेश्चंस टोटल्स एग्जामिनर पूछता है, ओके। तो देखिए एग्जाम्स में 40 out of 40 लाना बहुत ही थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं डिफिकल्ट है, बट स्टूडेंट्स के 35+ मार्क्स आ जाते हैं,
राइट। लेकिन आरआरबी क्लर्क की बात करें तो उसमें 40 out of 40 आ जाते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है राइट, एग्जाम्स की पैटर्न को समझना अति आवश्यक है। जितने अच्छे से आपको एग्जाम्स का पैटर्न समझ में आ जाएगा, आई गारंटी आप भी मार्क्स अच्छे से ले पाओगे। एग्जाम्स का पैटर्न किस बेसिस पे आएगा, जब आप लास्ट ईयर्स की पेपर सॉल्व करोगे, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स आप प्रैक्टिस में लाओगे। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग्स में आपको बताया था, इससे लास्ट स्लाइड थी पेपर्स ऑफिस असिस्टेंट की, आईपीपीएस आरआरबी ऑफिसर्स स्केल्स की राइट, वहाँ पेपर्स आप लगाइए राइट, उनसे समझिए कि क्वेश्चंस क्या कहता है, किस बेसिस पे क्वेश्चंस आपको पूछ रहा है। देन उसके बाद माड़ी रेस्परेंट आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए क्वेश्चंस तो आपको सिंप्लीफिकेशंस के 10 questions मिल जाएंगे राइट, 10 questions आपको सिंप्लीफिकेशंस के मिल जाएंगे, 2 sets राइट, 2 sets आपको DI मिल जाएगा, यानी कि 10 questions आपके हो गए ये, एंड नंबर सीरीज के 5 questions आपको मिल जाएंगे, चाहे रॉन्ग नंबर सीरीज हो चाहे मिसिंग नंबर सीरीज हो राइट। एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस राइट, वह आपके 5 questions आपको वहां पर मिल जाएंगे। एंड अर्थमेटिक जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का फोबिया रहता है, स्किप, एक तरह से उनको देखते ही स्किप करते हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादातर इन्हीं पर ही निर्भर रहते हैं राइट, इन इतने पोर्शंस पे, यानी कि 10 और 10 20 20 प्लस 5 5 10, यानी कि 30 marks तक निर्भर रहते हैं कि 30 marks अपने को पक्के करने हैं। बट कभी कभार एग्जामिनर ऐसा आपको क्वेश्चंस पूछता है, आप फंस जाते हैं और आपका सिलेक्शंस, एक भी क्वेश्चंस आपने मिस किया इन टोटल 30 में से, आपका सिलेक्शंस नीचे चला जाएगा, 100% आपका सिलेक्शंस नहीं होगा। आप 30 के 30 भी आपने अटेम्प्ट किए तो गारंटी है तो भी आपका सिलेक्शंस नहीं होगा। आई क्लियरली मैं एकदम स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जब तक आप अर्थमेटिक को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, अर्थमेटिक को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तब तक आप सिलेक्शंस नहीं ले पाओगे राइट। तो कुछ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस या टॉपिक भी लिखे जो इम्पोर्टेंट है, एवरेज का क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस, पार्टनरशिप्स, आपके बोर्ड एंड स्ट्रीम्स ट्रेंड्स राइट राइट, ट्रेन के क्वेश्चन, CISI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट राइट, पाइप एंड सिस्टम्स राइट, एस बेसिस पे क्वेश्चन यह पूछता भी है ओके। अब देखिए इनकी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करने हैं। देखिए कुछ आपको कहीं कभार कहा जाएगा कि टेस्ट लगाइए, वेल गुड, अगर आप टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है राइट। उसका एनालिसिस आप किस बेसिस पे करते हैं यह निर्भर करता है, टेस्ट तो हर कोई लगा लेता है राइट। अब दिन में 2 टेस्ट लगाएं 3 टेस्ट लगाएं या 1 भी लगाएं, उसका एनालिसिस आपने अच्छे तरीके से किया है, गारंटी है आपको एग्जाम्स में बहुत बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम का होता है राइट, टाइम अच्छे से सेव करना, एक्यूरेसी मेंटेन करना राइट, तुक्के बिल्कुल नहीं मार रहे हैं, आम भाषा में कहें तुक्का मारना, तुक्के वहाँ पर नहीं चलते हैं। अगर आपको सिलेक्शंस लेना है तो श्योरिटी के साथ 100% कन्फर्म हो, उसी के बेसिस पे आपको आंसर्स वहाँ पर देना है ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल से आपका 10 questions है सिंप्लीफिकेशंस, ये है 10 questions तो प्रत्येक स्टूडेंट्स यानी कि एवरी स्टूडेंट्स के पक्के होने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ, देखिए अगर आपको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है मिनिमम टाइम में ओके, मिनिमम टाइम की बात कर रहा हूँ, नॉट मैक्सिमम टाइम, मिनिमम टाइम में आपको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है तो याद रखिएगा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वह क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 50 तक स्क्वायर अच्छे से आने चाहिए, 50 तक स्क्वायर अच्छे से याद होने चाहिए, 50 तक स्क्वायर राइट। एंड उसके बाद 30 तक आपका क्यू, यानी कि 30 तक क्यू आपको अच्छे से याद होने चाहिए, 30 तक क्यू राइट राइट ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है राइट। किसी भी एग्जाम्स को आप क्लियर कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ दोनों चीज़, एक चीज़ और है वो है आपकी 30 तक टेबल्स राइट, यानी कि 30 तक पहाड़े, जिसको हिंदी में कहते हैं पहाड़े, टेबल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। ये 3 चीज़ अगर आपको आती है तो सिंप्लीफिकेशंस के 10 questions आपका मिनिमम टाइम में हो सकता है राइट। अगर आप देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और टोटल्स रीजनिंग्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मिलाकर आपको
45 मिनट्स मिलते हैं। अगर आपको 20 मिनट्स रीजनिंग को देते हैं, 25 मिनट्स आपको मैथ्स में तो गारंटी से देना ही पड़ेगा, राइट। तो 100% सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चंस करने में ओनली फॉर आपकी लगनी चाहिए 3 से 4 मिनट, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। 3 से 4 मिनट आपको 10 क्वेश्चंस करने में लगने चाहिए ओनली फॉर, मैक्सिमम है 3 मिनट, या आपकी 3.5 मिनट्स या मैक्सिमम है। इतने से ज़्यादा लग रहा है तो आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो। ओके, मेन चीज सिंप्लीफिकेशंस को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, अच्छे से पूरा कवर करने के लिए आपको 50 तक स्क्वायर एकदम लर्न, कोई भी चीज़ कहीं से भी 41 का स्क्वायर बताइए, ये पूरा आपको 42 का बताइए, 46 का बता 46 को बताइए, 33 का बताइए, तुरंत आना चाहिए तुरंत। एंड 33 तक क्यूब, यानी कि 30 तक क्यूब आपका, सॉरी यानी कि 30 तक आपको क्यूब अच्छे से याद होना चाहिए, और 30 तक टेबल्स, यानी कि 30 तक टेबल्स एकदम रटा हुआ होना चाहिए, जो एकदम आम भाषा में कहें, सिंपल लैंग्वेज में जो मेरे स्टूडेंट समझते हैं, रटा हुआ। ओके, तो ये हर सिंप्लीफिकेशंस के बेस्ट वे हैं, इससे आपको एंड बोर्ड मार्क्स, ये एक चीज़ और मेरे को सब बात को बता देता हूँ, बोर्ड मार्क्स आपको अच्छे से आना चाहिए, कौन सी चीज़ पहले सॉल्व होगी, कौन सी चीज़ बाद में सॉल्व होगी, कौन सा डिवाइड पहले किया जाएगा, किसका मल्टीप्लिकेशंस बाद में किया जाएगा, यह सब कुछ आपको आना चाहिए, तभी आप सिंप्लीफिकेशंस के 10 क्वेश्चंस मिनिमम टाइम में कर सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, जो चीज़ बता रहा हूँ उसको नोट करते चलिए, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, आपके DI सेट। माय डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 1 DI तो कन्फर्म है। ओके, 1 DI अगर आपको नहीं पूछता तो यहाँ पर आपको हो सकता है दो से तीन क्वेश्चन आपको यहाँ बुझा दे, 2 से 3 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक में बता दे, अगर 1 DI पूछता है, राइट। मैक्स ज़्यादातर चांस में 2 DI पूछता है आपको। ओके, 1 DI आपका कभी कभार लाइन ग्राफ पूछ लेता है, देखिए लाइन ग्राफ पूछ सकता है आपको, बार ग्राफ हो गया, राइट, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक से लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ये स्पेसिफिक टेबल्स फॉर्मेट में आपको DI पूछ लिया, राइट। मैं दोनों पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, रीजनिंग्स और आपकी आपकी दोनों, यानी कि PO और क्लर्क की। ओके, तो DI सेट की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, देखिए मेरे चैनल्स में भी आपको मोस्ट बहुत अच्छे DI मिल जाएंगे, गारंटी से कह सकता हूँ। इस चैनल्स को फॉलो कीजिए, DI क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके लिए, उसको जाके फॉलो कीजिए, देखिए एक भी क्वेश्चंस आपको बाहर नहीं मिलेगा, जिस स्पेसिस पे सॉल्व करता हूँ वो चीज़ देखिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। PDF अगर आपको चाहिए तो PDF में मैं देने के लिए रेडी हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए, उसको भी देखिए। 100% DI के 10 क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं जाने दूंगा, राइट, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी चैनल्स को फॉलो कर लीजिए और उसको जो क्वेश्चंस आपको मैंने बताया है उसको देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट आपका है नंबर सीरीज, चाहे वह रॉन्ग नंबर सीरीज हो, चाहे आपका मिसिंग नंबर सीरीज हो। देखिए यह ऐसा नहीं है कि अब एग्जाम्स में गए कि मेरे को DI आती है, सिंप्लीफिकेशंस भी आता है, नंबर सीरीज भी आता है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, डेट जैसे ही एग्जाम्स की डेट आएगी उससे 10 दिन पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, राइट, उसके बाद वह एग्जाम्स देने चले जाएंगे, राइट। तो फिर कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं, सर हमारा सिलेक्शंस नहीं हुआ, हमने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, 10 दिन में कोई तैयारी नहीं होती, खासकर नंबर सीरीज और मैथ के क्वेश्चंस तो 10 दिन में बिल्कुल भी नहीं होते, राइट। नंबर सीरीज के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तभी आप एग्जाम्स में अच्छे से नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, राइट, क्योंकि वो एग्जामिनर है, आपका एग्जाम्स लेगा, आपको किस तरह से इस पर फंसाया जा सकता है, वह आपका नंबर सीरीज है, राइट। देखिए नंबर सीरीज के लिए आपकी काम आएंगे मोस्ट प्रोबेबली स्क्वायर, मोस्ट प्रोबेबली क्यूब, मोस्ट प्रोबेबली आपके टेबल्स, यानी कि टेबल्स और स्क्वायर और क्यूब याद करना आपको 2 चीज़ें बेनिफिट्स करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका DI भी सॉल्व कर सकता है, यानी कि मैथ्स में तो आपका ये इम्पोर्टेंट है, एक तरह से जड़ यही है आपकी। ओके, तो नंबर सीरीज को अगर आपको प्रैक्टिस करनी है
तो माय डियर एस्पिरेंट्स, मैंने बहुत वीडियो अपलोड किए हैं, 100 क्वेश्चंस की सीरीज करवाई है, राइट, एक साथ 100 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। अदरवाइज पीडीएफ नहीं मिले तो आप मेरे चैनल्स पे जा सकते हैं, नंबर सीरीज ऑप्शंस पे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आपको कोई मतलब नहीं है कि ये इस एग्ज़ाम्स की है, इस एग्ज़ाम्स की है, आपको ओनली फॉर प्रैक्टिस से मतलब है, राइट। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, 100 क्वेश्चंस एक साथ पीडीएफ। अब प्रैक्टिस, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा मटेरियल्स है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन आता है कि सर इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से करें। तो माड़ी रेस्पॉन्स आपको ओनली फॉर मेरे चैनल्स पे इतना अच्छा मटेरियल्स, इतना अच्छा कंटेंट कोई नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, राइट। आप यही कर लीजिए, इतना ही कर लीजिए, आपकी गारंटी मैं ले सकता हूँ 40 out of 40। अगर ऑनेस्टी के साथ आपने प्रिपरेशन की है तो गारंटी से बन सकता है, पॉजिटिविटी के साथ सॉल्व कीजिएगा, ओके। वीडियो का सॉल्यूशंस भी उसमें अवेलेबल है, वीडियो का सॉल्यूशंस नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं कि सर हमको इसका क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं मिला, ओके। तो किसी भी आपको पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 100% दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देखिए ये 5 नंबर आपकी ओनली फॉर आपके फ्री ऑफ कॉस्ट, एक तरह से फोकट के नंबर है 5 नंबर, ये आप क्वेश्चंस देखते ही इनका आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चंस देखते ही, ओके। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से लगाई है तो प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की तो यह क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होंगे, ओके। नेक्स्ट आपका है अर्थमेटिक के क्वेश्चन, राइट, जो स्टूडेंट्स का रहता है, 10 क्वेश्चन पूछता है माय डियर एस्पिरेंट्स, यही आपका सिलेक्शन की जड़ है, यही आपका अच्छे से क्लियर हुआ तो यही आपका सिलेक्शन करवाएगा, ओके। यह आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है, नहीं भी करवा सकता है, आपकी चाहे इनमें से किस इनमें इन चारों में, राइट, आपकी कमांड चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर इसमें आपकी कमांड नहीं है तो आप सिलेक्शन से प्री के एग्जाम्स में भी बहुत दूर होंगे। मेंस में तो ये इंपॉर्टेंट है ही, इसके बिना तो आप एग्जाम्स क्लियर कर भी नहीं पाओगे, बट प्री में भी नहीं कर पाओगे, अब ये पैटर्न हो गया है, ओके। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, क्योंकि स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि अर्थमेटिक के लिए क्या किया जाए, अर्थमेटिक श्योर नहीं होता, तो माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस आप अर्थमेटिक के वर्बली यानी कि मौखिक रूप से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रफ पेज पर आपको लिखना नहीं है, रफ पेज का जितना कम यूज होगा उतना आपका सिलेक्शंस होगा, ये मेरी गारंटी है, ये लिख लीजिए, राइट। जितना आप वर्बली मौखिक रूप से सॉल्व कर सकते हैं तभी आप सिलेक्शंस के नियरेस्ट जा सकते हैं, ओके। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आपको पूछता है एग्जाम्स में, प्रैक्टिस के लिए आपको मटेरियल चाहिए, तो मैंने अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं, इसकी भी 100 150 क्वेश्चंस की सीरीज मैंने आपको करवाई है, राइट। उसको फॉलो कीजिए, उसको 100% फॉलो कीजिए, गारंटी है आपका सिलेक्शंस ना हो, अर्थमेटिक का आपका सारा का सारा फोबिया ना, जो स्किप करने का एक तरह से तरीका बन गया ना आपका, कभी नहीं आप स्किप करोगे, इतने प्यार से आप इसको सॉल्व करोगे, एग्जाम्स में आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी मार्क्स भी इंक्रीज होंगे, राइट। तो प्लीज अर्थमेटिक की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, कमेंट बॉक्स में पुट अप करें अपना कमेंट कि सर हमको प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको पीडीएफ दूंगा, चाहे वह किसी भी एग्जाम्स की हो, अर्थमेटिक का कहीं भी क्वेश्चंस आपको दिए देखिए, पढ़िएगा उसको, अच्छे से सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज मेरे वीडियोज अवेलेबल है, कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है अर्थमेटिक का, लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस मैंने वहां पर करवाए हैं, उसको भी देखिएगा, 100% आपको हेल्प जरूर करेगा, राइट। तो ये तो थी आपकी संपूर्ण क्वांटिटेटिव यानी कि मैथ्स की स्ट्रेटजी। इसके अलावा कहीं पे भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है, देखिए मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स क्या कमेंट करेंगे, सर 40 out of 40 क्या बात करो, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, आ सकता है, आ सकता है। पहले ही आप नेगेटिव सोच रख के काम करोगे तो कभी नहीं होगा, राइट। पॉजिटिविटी के साथ काम कीजिए, 40 out of 40 100% देने की कोशिश कीजिए, गारंटी आप नियरेस्ट तो पहुंचोगे ही पहुंचोगे, राइट। तो पॉसिबल है 40 out of 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं, राइट। आप मॉक टेस्ट लगाइए, डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए,
डेली कुछ डेली के डेली आप 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के सॉल्व कीजिए, डीआई सेट सॉल्व कीजिए, एक डीआई सेट डेली सॉल्व कीजिए, राइट। नंबर सीरीज के लगभग 20 से 30 क्वेश्चन नंबर सीरीज लगाइए डेली पैटर्न पे। कंटेंट मटेरियल्स आपको मैं दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जो वीडियो मेरे अवेलेबल है, आप उन वीडियो को भी देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। साथ साथ प्रैक्टिस करिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, राइट। ओके, तो ये तो था आपका पूरा का पूरा मैथ्स की संपूर्ण स्ट्रैटेजी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी, आपको एक माध्यम मिला होगा कि मैथ्स में कैसे तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, फर्स्ट टाइम जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, राइट, उनके तक पहुँचे, उनको भी पता चल सके। ओके, एंड अभी तक चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग्स। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में आप टाइप करना किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए, 100% में उस पर कोशिश करूँगा। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए अपनी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।